बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक Cryo.do फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। और आज Cryo.do आपके लिए नॉट ओनली फॉर फ्रेशर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस्ड एक बहुत ही चीज लेकर आया अच्छी जो बिल्कुल फ्री है। इफ यू क्लिक ऑन प्रोजेक्ट्स देन यू विल सी कि भाई इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पाइथन, जावा, ऐप, एंड्रॉइड, मशीन लर्निंग, C++, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, क्लाउड, डैश, वेब डेवलपमेंट। भाई ये सारे प्रोजेक्ट्स फ्री, एग्जांपल मैं एक पे क्लिक करके दिखाता हूं आपको। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप देखते हो कि भाई इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिकेट अलर्ट्स, CLI, मल्टी गेम, हाउस प्राइस, वेदर फोरकास्टिंग ऐप। और एक और चीज दिखाऊं जो मुझे एक और अच्छी लगी जो बहुत डिमांडिंग भी रहती है हमेशा, वेब स्क्रैपिंग, फेसबुक बॉट। भाई ये सब चीजें फ्री है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है इतने सारे प्रोजेक्ट्स। और जो इस समय अवेलेबल नहीं है आप उनको नोटिफाई पे क्लिक कर सकते हो। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे डाउनलोड प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको जस्ट अपना ईमेल आईडी देना है बस, एंड यू विल गेट इन योर इनबॉक्स। ऑल्सो Cryo.do ऑफर्स थ्री प्रोग्राम्स, फुल स्टैक, बैकएंड एंड फेलोशिप प्रोग्राम, एंड दीज आर सो मेनी पीपल हु गॉट जॉब थ्रू Cryo.do। यार आपको भी पता है कि Cryo.do इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे कुछ क्रैम नहीं करवाते, पूरा लॉजिकल वे में समझाया जाता है। और टेक्नोलॉजी की बात फ्रंट एंड में देखो आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा। And you will get certifications at the end of this program, ताकि आपके अंदर एक और कॉन्फिडेंस आए कि यस मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, जो आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो और ये आपको जॉब दिलवाने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन देयर कोर्सेस, ठीक है। तो प्लीज जल्दी से जाओ, रजिस्टर करो और जल्दी से जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आज इस वीडियो में आपके साथ जो मैंने 7 साल एक्सपीरियंस किया है आईटी में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं कि भाई ये चीज का अगर ध्यान रखोगे ना तो आईटी लाइफ आपके लिए बहुत स्मूथ जाएगी और आप हमेशा सक्सेस का लैडर चढ़ते जाओगे। जैसे मैंने 21 की एज में अपना करियर स्टार्ट किया था, मेरे जैसे आप भी बहुत सारे लोग 20 या 21 या 22 में स्टार्ट कर लेते होंगे, है ना। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना 21 में, तो मेरे मैनेजर की एज 40+ थी। तब मैंने कोई उस टाइम पे ना मतलब कुछ किया था अभी, जैसे कॉलेज से निकले हैं, ट्रेनिंग हुई थी दोस्तों के बीच में, ना सब यंगस्टर्स माइंड है, अभी बच्चों वाला माइंड है, तो ऐसा लगता था कि हाँ ये आईटी लाइफ है, ठीक है। कॉलेज लाइफ अभी भी दिमाग में थी, तो कुछ मैंने कुछ किया था। तब मेरे मैनेजर ने एक डायलॉग बोला था, बोला कि जितनी तेरी उम्र है ना उतना मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसको सब पता है, क्योंकि वो भी कभी फ्रेशर था, मैनेजर भी कभी फ्रेशर था, इसलिए जो तुम कर रहे हो वो मैनेजर कर चुका है ना, ठीक है। मे बी शायद तुम, मैं बोलता हूं 80% शरीफ हो, मैनेजर शायद 50% शरीफ होगा अपने जमाने में, बट उसने दुनिया देखी है इसलिए वो आज मैनेजर है। तो फर्स्ट रूल इन आईटी, नेवर लाई इन आईटी टू योर सीनियर, टू योर मैनेजर, झूठ पकड़ा ही जाता है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि आप 80% तो सच बोलो, 20% झूठ चलता है, बट ये उल्टा नहीं होना चाहिए, 20% सच और 80% झूठ। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, नेवर इंसल्ट एनीवन इन ऑफिस। मतलब एग्जांपल आप कैफेटेरिया में बैठे हो, आपके साथ 2-3 लोग और बैठे हैं, आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो या कुछ और एक्टिविटी कर रहे हो ना, चाय नाश्ता या बाहर गए हो, ठीक है, कोई भी इवेंट है वैसा। अब आप उस वहां पे आपका जो साथ में क्लीग्स बैठे हैं वो अपने एग्जांपल मैनेजर की, अपने क्लीग की बेइज्जती करते हैं, अरे देख उसका कैसा मुर्गे जैसा शक्ल है फिर भी उसने लड़की बटा ली, अरे कैसा उसका शक्ल तोते जैसा है या बकरे जैसा है, कुछ भी, वो उसका मैनेजर कितना खड़ूस है, इतना है, पूरा दिन काम कराता है, खुद कुछ करता है, एग्जांपल। तो जस्ट बी क्वाइट एंड लिसन, बी अ गुड लिसनर दैट टाइम। भावनाओं में आके अपने मैं बोलता हूं अपनी फीलिंग्स मत एक्सप्रेस करने लग जाना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जस्ट बी क्वाइट, ऑब्जर्व दैट थिंग, लिसन दैट थिंग। जिस दिन टाइम आएगा तब उस बंदे से मिलोगे, तब ऑब्जर्व करना कि भाई वो सच में ऐसा है क्या, क्योंकि हर बंदा अगर ए के साथ अच्छा है तो बी के साथ अच्छा नहीं है। सेम केस विद यू, तुम सोचो क्या तुम सबके साथ अच्छे हो, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है एक ही ऑफिस में, ठीक है। तो ऐसा जजमेंट मत लो किसी के बेसिस पे, ठीक है। थर्ड रूल, बी लिटिल सोशल, ठीक है। एक तो होता है आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, एक होता है आप इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, तो एटलीस्ट बी अ पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेट करोगे तो ठीक है, ऑर्गेनाइज करोगे तो देखो ऑर्गेनाइज करने से आपको ना तो हाइक अच्छा मिलने वाला है, ना वो प्रमोशन में हेल्प करने वाला है, ना वो आपके मैं बोलता हूँ जॉब स्विच मारोगे तो ये तो पूछेगा नहीं कि आपने कितने रंगोली कंपटीशन करवाए, आपने कितने कैरम बोर्ड्स कंपटीशन ऑफिस में ऑर्गेनाइज करवाए, आपने कितने बर्थडे सेलिब्रेशन करवाए। आपको क्या पता है क्या 10 लोगों का अगर मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा तो मुझे 2 किलो केक चाहिए या 3 किलो केक चाहिए, कौन पूछता है। नहीं, टेक्निकल नॉलेज पूछी जाएगी इंटरव्यू में, जिसके बेसिस पे तुमको हाइक मिलेगा, ठीक है। तो बी अ पार्टिसिपेंट बट डोंट बी एन ऑर्गेनाइजर। नेक्स्ट रूल, टॉक लेस बट पोलाइटली, ठीक है। मतलब एक तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी, ज्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा सहन कर सकते हो सहन कर लो, ठीक है, क्योंकि सामने वाला गलती आईटी में जल्दी रियलाइज कर लेता है, यार शिट मैंने इसको ज्यादा बोल दिया, एक तो होगी ये चीज। सेकेंडली चीज, जैसे कि मैंने बोला कि अगर कहीं पे बैठे हो तो पहले सुनो बाद में कुछ बोलो,
पहली बोलने लग जाओगे ना तो अपना जो तुम्हारा नॉलेज का घड़ा है वो तुम पहली खत्म कर दोगे, अंदर तो कम जाएगा बाहर ज्यादा निकलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिन खत्म होने वाला आपका, ठीक है, 9 घंटे की शिफ्ट थी जिसके अंदर 6 घंटे खत्म हो गए, सिर्फ 3 घंटे बचे मान के चलो, उस टाइम पे नया काम नहीं लेना, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप नया काम ले लोगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैनेजर आएगा बोला हो गया, तब आप क्या बोलोगे, सर कल रात को तो दिया था आपने, तो एसएलए चल जाता है ना, द मोमेंट आपने वो टिकट अपने नाम पे ले लिया देन एसएलए स्टार्ट हो जाएगा। तो वाई, जब दिन खत्म हो गया तब कोई नया काम नहीं लेना, ये लाइफ का रूल है, याद रख लेना, ठीक है? नेक्स्ट डे मॉर्निंग आते ही ले लो सुबह 9 बजे, वो ठीक है, बट रात को जाते वक्त 2 घंटे बचे थे, 3 घंटे बचे थे, मैं सोचा कि आज मेरा काम खत्म हो गया, मैं नया टिकट ले लेता हूं, मैनेजर इंप्रेस हो जाएगा, ठीक? ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है यंगस्टर्स के लिए, नेवर रिवील योर रिलेशनशिप, ओके, अंटिल इट गेट्स कंफर्म्ड। मैं अभी इस पे डिबेट नहीं करने वाला कि आपको एक ऑफिस में लड़की ढूंढनी चाहिए या लड़का ढूंढना चाहिए, विद इन ऑफिस शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, करना कोई बुरी बात नहीं है, उसके भी प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, वो आपको टाइम के हिसाब से पता चल जाएंगे। बट मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, जब तक आपका म्यूचुअली डिसाइड नहीं हो जाता कि हाँ भाई हमारा कन्फर्म्ड है रिलेशनशिप, ठीक है, तब तक दुनिया को मत बताओ, नहीं तो क्या होगा एंड में, सपोज एंड में सपोज ब्रेकअप हो गया, एक तो वो रिलेशनशिप से गए, ऊपर से फिर अलग लोगों की चर्चा में या टॉपिक में आ जाओगे, भाई ये देख टाइम पास कर रहा था, भाई देख इसके तो बड़ी सही बंदी मिल गई थी, फालतू में इसने ब्रेकअप कर लिया, वो लड़की का भी फिर नाम पे आ जाएगा, अरे यार तेरे नाम पे वो देख ऐसे बिल फट रहा है, लड़का भी बोलेगा अरे देख तेरे नाम पे ऐसा बिल फट रहा है, ठीक है? मैं तुमको बता रहा हूं, जब तक कंफर्मेशन नहीं है तुम दोनों का म्यूचुअली, तब तक रिवील मत करो, ठीक है? नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई देखो, मैंने बोला सबसे बात करनी चाहिए, मैनेजर से, एचआर से, एडमिन से, लोअर स्टाफ से भी अच्छे से बात करो, जो क्लीन स्टाफ होता है या सिक्योरिटी गार्ड होता है उन सबसे भी अच्छे बात करो, उनको ग्रीट करो एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब हम ग्राउंड से सुबह सुबह खेल के आते थे ऑफिस, सीधा ऑफिस आते थे, वॉशरूम जाते थे, फिर अपने कपड़े चेंज करते थे, आके डेस्क पे बैठते थे, उस टाइम पे होता था कि बस शूज जो होते थे ना गंदे होते थे और फिर वो पूरा फ्लोर गंदा हो जाता था। अगर सिक्योरिटी गार्ड से या फिर जो स्टाफ क्लीनिंग बॉय अगर उससे अच्छी बनी होती है, एटलीस्ट प्यार से ही होता, वो कौन सा तुमसे पैसे मांग रहे हैं ना, जस्ट एक अच्छे से वर्ड्स, गुड मॉर्निंग लाइक दैट, है ना, कैसे हो, बाकी सब कैसा है, वो खुद ही बोलेगा टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं कर दूंगा साफ, कोई बात नहीं, क्योंकि उसका काम है, ठीक है? आपका भी मन में आएगा शिट मैंने गंदा कर दिया ऑफिस, है ना, ये वो बोलेगा ये मेरा काम है, बट वो आपसे प्यार से बात करेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं कर दूंगा। और ये बात तो आप टैटू करवा लो कि आईटी में कुछ भी काम हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट आईटी, इट्स अबाउट गवर्नमेंट, इट्स अबाउट एनीथिंग, जहां पे प्रोफेशनल चीजें आ जाती हैं, यू शुड हैव एवरीथिंग ऑन ईमेल। मैं अभी यूट्यूब का भी काम करता हूँ, कई बार स्पॉन्सर्स आते हैं, कुछ भी करते हैं, मैं सब कुछ जो भी होता है ना, चाहे वो मुझसे फोन पे बात करते हैं कि सर आज एक वीडियो बना दो, मैंने बोला ठीक है, मैं इमीडिएटली ईमेल कर देता हूँ कि भाई ये लो तुम्हारी वीडियो बना दी, मैं ईमेल पे ही सब कुछ करता हूँ, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे वो यूट्यूब हो या सरकारी काम हो, कहीं से भी, या फिर आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि सामने वाला बंदा मुकरे ना अपनी बात से कि भाई मैंने तो कुछ नहीं बोला था, मैंने तो कुछ बोले नहीं इसको, ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है? और मैनेजर्स और अपने सीनियर्स की प्लीज रिस्पेक्ट करो, क्योंकि चाहे मैं बोलूं आप दोनों गूगल में नहीं हो, बट एटलीस्ट वो आपका सीनियर है, वो आपको काम सिखा रहा है, ठीक है? यही मान लो, क्यों मान के चलो कि वो आपको काम सिखा रहा है, आपको भर भर के काम दे रहा है, आप शायद फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो, ठीक है, आप बोलो कि वो रूड है, कोई उसका काम है यार, देखो काम करवाना, उसको रूड किसने बनाया, प्रोबेबली एक्स एम्प्लॉइज ने, अगर आप अच्छा काम करोगे शायद उसका मूड बदल जाएगा आपके लिए, ठीक है? और अगर आपको उसका मूड बदल गया, आपको अगर अच्छा काम भी देने लग गया, तो लास्ट में फायदा किसका है, सोच के बताओ फायदा किसका है, अगर कोई काम करेगा एक टीम में, एक बंदा काम कर रहा है 5 घंटे, एक कर रहा है 8 घंटे, और एक कर रहा है 10 घंटे, 10 घंटे वाले को थोड़ा सा इरिटेशन होगा, बट वो जल्दी से जल्दी सीख के स्विच मार लेगा, और आईटी में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने आज तक एक स्विच ना मारा हो, मिनिमम वन स्विच। और ऐसा बोला जाता है कि आईटी में ऐसा बोला जाता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोला जाता है कि आईटी में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने आज तक टीसीएस के दर्शन ना किए हो, ठीक है? तो इन कंक्लूजन ये है, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वहीं से ही तुमको, तुम स्विच मारोगे, हाइक तुमको मिलेगा, तुम अपने मैनेजर को 1 रुपया भी नहीं दोगे, ये बात तुमको भी पता है, ठीक है? तो एटलीस्ट बी ग्रेटफुल टू दैट, ठीक? ये था मेरा अपने 7 साल का आईटी का एक्सपीरियंस जो मैंने अपने सीखा अपने लाइफ में, ठीक है? और मैं अगर आप देखोगे मैं जहां भी रुका हूं लंबा रुका हूं, टीसीएस में था 2.7 ईयर्स लंबा रुका, मुंबई में था, कॉस्ट मेरा खर्चे ज्यादा थे, तो मैंने सोचा कि यार मेरा क्या होगा 20-22-25 हजार में, मुझे आई नीड सम गुड सैलरी, राइट? तो फिर मैंने स्विच मारा था क्यूएडी प्रोडक्ट प्लेस में।
अभी यहां पे भी मुझे 4 साल हो गए, 4 साल से ज्यादा हो गए, तो मैं जहां पे रुका हूं अगर मुझे वहां पे कल्चर अच्छा मिल रहा है, एम्प्लॉयज और मेरे जो मैनेजर वो टीम जो है अच्छी है, तो आई स्टिक टू दैट। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, ठीक है? आपकी अगर प्रायोरिटी पैसा है तो प्लीज कीप ऑन स्विचिंग, बट ये है कि रेगुलर स्विच मत मारो। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, हर एक एक साल बाद स्विच मारते हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म इंपैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है? क्योंकि वो बोलेगा ये बंदा बहुत वोलेटाइल है, ये टिकता नहीं है, तो बेटर एटलीस्ट स्पेंड सम 2-3 ईयर्स। अगर हाँ बहुत ही लेवल का फ्रस्ट्रेशन है तो प्लीज निकल जाओ, अदरवाइज ट्राई टू स्टे देयर, ठीक है? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगा है कि ये मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत काम का है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, ये सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है प्लीज, ठीक है? आपका 1 रुपया नहीं जाएगा और ना ही आपके अकाउंट से कुछ पैसा कटेगा, बस मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, मच लव। We'll be right back.